ऐसे कई सारे डिसीजेज या डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक सिंगल जीन में कोई म्यूटेशन या चेंज हो उसकी वजह से होते हैं। जीन्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे बॉडी को बताता है कि वो फंक्शन कैसे करे, और उसमें छोटे से छोटे जीन से भी बड़े सिम्टम्स आ सकते हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे कई सारे डिजीजेस ऐसे सिंगल जीन चेंज की वजह से होते हैं। PGTM एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम एम्ब्रियोस को टेस्ट कर सकते हैं इसमें ये सारे डिजीजेज नहीं है, और एक हेल्दी एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसकी वजह से एक हेल्दी प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है। मेरा नाम डॉक्टर ज्वेल बैंकर है और आज हम डिस्कस करेंगे क्या है PGTM, इसके लिए है PGTM, कौन सी डिजीजेज इससे जाने जा सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है ये टेस्ट का, उसके लिमिटेशंस और इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। PGTM का फुल फॉर्म है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिजीज, यानी सिंगल जीन डिजीजेस। ये IVF प्रोसेस का ही एक पार्ट है, और इससे हम एम्ब्रियोस के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि उनमें ये डिजीजेज नहीं है जिनका रिस्क होता है ट्रांसमिशन का, और एक हेल्दी डिलीवरी कर सकते हैं। PGTM उनके लिए है जिन फैमिलीज में कोई ऐसे मोनोजेनिक डिजीज़ रन करता है, और या तो एक या दोनों पेरेंट्स कोई एक जीन का कैरियर हो। ये एक ऐसा ब्लैंकेट टेस्ट नहीं है जो हमें बताता है कि एम्ब्रियो में कोई डिजीज़ ही नहीं है, पर अगर एक या दोनों पेरेंट कोई जीन का कैरियर हो जिसकी वजह से चाइल्ड को कोई डिजीज़ हो सकता है, तो ये डिजीज़ हम वो एम्ब्रियो में टेस्ट कर सकते हैं। कई सारी कंडीशंस हम ये टेस्ट से पता कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, स्पाइनोमस्कुलर एट्रोफी और बहुत सारे 300 से भी ज़्यादा एज ए सिंगल जीन डिजीजेस हम घर पे टेस्ट कर सकते हैं। PGTM टेस्टिंग के तीन भाग होते हैं। पहला भाग है कि प्री PGTM वर्कअप करना। इसमें हम कपल का और उनके फैमिली मेम्बर्स का, और या तो एक अफेक्टेड चाइल्ड हो तो उसका भी ब्लड कलेक्शन करते हैं, और एग्जैक्ट म्यूटेशन आइडेंटिफाई करते हैं। तो सारे म्यूटेशन के कॉम्बिनेशन जो भी एम्ब्रियो में पास ऑन हो सकते हैं उसके बेसिस पे एक पर्सनलाइज्ड प्रोब बनता है जिसके ऊपर हम एम्ब्रियो को टेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टेप है कि हम IVF करें, तो ओवरीज को स्टिम्युलेट की जाती है और काफ़ी सारे बीज बनाए जाते हैं। ये बीज को हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फलित किया जाता है, और सारे एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस स्टेज तक कल्चर करते हैं। एक बार एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच जाए तो एक लेजर से 6 to 8 सेल्स की बायोप्सी लेते हैं गर्भ के आउटर लेयर में से, जिसको ट्रोफेक्टोडर्म लेयर कहते हैं, और गर्भ IVF लैब में फ्रोजन रहता है, और ये बायोप्सी मटीरियल्स हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है PGTM टेस्टिंग। ये टेस्टिंग में सारी बायोप्सीज के ऊपर PGTM टेस्ट किया जाता है, और जो म्यूटेशन हमने प्री PGTM में पकड़ा था वो म्यूटेशन के सामने ये सारे गर्भ टेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा टेस्ट है जिसको PGT-A कहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं वो चेक करने के लिए कि और कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है। ये टेस्ट से हमें ऐसा रिपोर्ट मिलता है कि या तो ये एम्ब्रियो अफेक्टेड है यानी इसको डिजीज़ है, या कैरियर है, या अनअफेक्टेड है। तो अनअफेक्टेड और कैरियर एम्ब्रियोज को हम आगे ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो गर्भ जो डिजीज़ फ्री हो और क्रोमोसोमली नॉर्मल हो उसको हम यूट्रस के अंदर वापस ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी आ सकती है। एक रेयर लिमिटेशन ये टेस्ट का है कि मिस डायग्नोसिस हो जाए, यानी गलत डायग्नोसिस हो जाए। या तो एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं मोज़ेसिज्म, यानी गर्भ के कई सेल्स नॉर्मल होते हैं और कई सेल्स एबनॉर्मल होते हैं, तो ये टेस्ट पकड़ नहीं पाता कि ये गर्भ नॉर्मल है कि नहीं है। पर ये चीज़ होने का इंसिडेंस 1% से भी कम है, और PGTM एक बहुत ही एक्यूरेट टेस्ट है। अगर हम PGTM ना करें तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कपल को थैलेसीमिया माइनर है और चाइल्ड को थैलेसीमिया मेजर होने के रिस्क है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी जब हो जाए तब तीसरे महीने पे अंदर से पानी लेते हैं और वो पानी को टेस्ट करते हैं, और अगर पता चले कि ये गर्भ को कोई तकलीफ है या ये चाइल्ड को कोई तकलीफ है तो हमें एबॉर्शन करवाना पड़ता है। ये टेस्ट से हम म्यूटेशन गर्भ रखने से पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसे रिकरेंट एबॉर्शन का रिस्क हम कम कर सकते हैं।
तो PGTM एक बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है उन कपल्स के लिए जिनके फैमिली में ऐसे कोई मोनोजेनिक डिजीज़ रन करती है और एक डिजीज़ को ट्रांसमिट करने की पॉसिबिलिटी है। ये टेस्ट की वजह से हम बहुत सारे ऐसे एबॉर्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और एक हेल्दी चाइल्ड पा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें बताइए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।